ज्वालामुखी उपमंडल के जंगल क्षेत्र में एक बेटी के सिर से बाप का साया उठ गया और इसी माह बेटी की शादी होने के कारण परिजनों पर आर्थिक संकट आ गया। ऐसे में तहसील खुंडिया की समाज सेवी संस्था ने बेटी की शादी के लिए आर्थिक मदद पहुंचाकर परिजनों को राहत दी। स्माइल फाउंडेशन खुंडिया ने 34,500 की आर्थिक मदद की है। खुंडिया तहसील के अंतर्गत धार लाहरू गांव में एक जरूरतमंद परिवार की मदद करने संस्था आगे बढ़ी। पिछले ही दिनों इस परिवार के मुखिया का बीमारी के कारण अकस्मात निधन हो गया था और उनकी बेटी का विवाह इसी महीने तय हुआ था, पर परिवार के मुखिया की अचानक मृत्यु हो जाने से घर परिवार को विवाह की चिंता सताने लगी थी। पर जब स्माइल फाउंडेशन खुंडिया को पता चला तो उन्होंने अपने कार्य के अनुरूप इस परिवार की आर्थिक मदद की, जिसमें से 11,000 रुपए की मदद स्माइल फाउंडेशन ने की और 23,500 की मदद स्माइल फाउंडेशन के ही कुछ सदस्य जो इस परिवार के पड़ोसी हैं ने मिलकर की। स्माइल फाउंडेशन खुंडिया के सदस्य अश्विनी रजिंदर, बंटू पंकज, अमित प्रवीण, रोकी राणा ने पंचायत प्रधान और प्रशासन से अपील की है कि इस जरूरतमंद परिवार की सहायता करें ताकि बेटी की शादी सुख शांति से संपन्न हो सके। नमस्कार, आज हम स्माइल फाउंडेशन की तरफ से खुंडिया तहसील के धारलाड़ू गांव में आए हुए हैं। यहां पर कुछ दिन पहले ही एक अंकल जी का अकस्मात निधन हो गया था और उनकी पुत्री का विवाह अभी 21 अक्टूबर को होना तय हुआ है। तो आज हम स्माइल फाउंडेशन की तरफ से इनकी 11,000 रुपए की आर्थिक मदद कर रहे हैं। इसके अलावा धारलाड़ू गांव के ही जो नवयुवक हैं, जो कि स्माइल फाउंडेशन के मेंबर भी हैं, उन्होंने अपनी इस बहन की शादी के लिए 23,500 रुपए की अतिरिक्त मदद अपनी तरफ से की है। अर्थात आज हम कुल मिला के इस परिवार की 34,500 रुपया देकर उनकी आर्थिक मदद कर रहे हैं। इसके अलावा मेरा प्रशासन से और पंचायत प्रधान आदि से भी निवेदन है कि इस परिवार की जितनी संभव सहायता हो वो करें। और साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि स्माइल फाउंडेशन के नाम से हमने जो ये छोटी सी संस्था शुरू की है, इसमें आप सभी आकर हमारे साथ हाथ मिलाएं, हमारे साथ जुड़ें और लोगों की सहायता करने में और उनके चेहरों पर मुस्कान लाने में हमारी मदद करें। आपके द्वारा दी गई एक छोटी सी सहायता भी गरीबों के परिवारों के चेहरों पर स्माइल ला सकती है। तो आओ हम सब मिलकर इस समाज को और इस दुनिया को बेहतरीन बनाने के लिए कार्य करें और लोगों के चेहरे पर मुस्कान लगाएं लाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।